हमारे चैनल वी द डेमिगॉड्स मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। एक छोटी सी चीज जो इंसान को अक्सर आगे बढ़ने से रोकती है, और अगर आगे बढ़ने से नहीं भी रोकती है तो टेंशन का बहुत जबरदस्त कारण होती है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। और वो क्या है? वो एक सोच कि क्या कहेंगे लोग। हर चीज में ये सोच लेते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरे पास गाड़ी छोटी है तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे के मार्क्स कम आए तो लोग क्या कहेंगे, या मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, और ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे परेशान होते रहते हैं। कुछ काम करने जा रहे हैं तो ये सोच लेते हैं अगर सही नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों को कहां फुर्सत है कि बस आपको ही देखते रहें और आपके ही बारे में बात करते रहें। ये तो सिर्फ एक मन में, दिमाग में एक सोच है जो एक रुकावट बन जाती है, कई बार आगे बढ़ने नहीं देती है, कई बार टेंशन का कारण बन जाती है। और टेंशन अगर है, अगर स्ट्रेस है, तो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ एक कहानी के साथ। और कहानी कुछ इस तरह से है कि बहुत पुरानी बात है, अकाल पड़ा, भूखमरी फैली और एक एक गांव में लोगों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं रहा। तब दो दोस्त अपने गांव से निकले और शहर की तरफ चले कि देखते हैं, वहां जाके कुछ काम करते हैं, वहां से कुछ मिलता है तो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ वहां से कमा के लाते हैं। दोनों चले गए। अब उन दोनों में से एक जो था वो थोड़ा सा लिखना पढ़ना जानता था, दूसरा नहीं जानता था। थे दोनों बिजनेस करने वाले, दोनों का दिमाग जो था वो बिजनेस टाइप का दिमाग था, लेकिन एक को पढ़ना आता था, एक को नहीं आता था। अब वो दोनों चले गए। शहर में जाने के बाद इधर उधर भटकते रहे काम के लिए, कुछ काम नहीं मिला। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, बहुत परेशान हुए। तो जो क्योंकि वो अपने हिसाब से काम ढूंढ रहे थे, जो पढ़ा लिखा था वो ये काम ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ लिखने पढ़ने का ही काम मिल जाए। दूसरे को तो पता ही नहीं था कि कौन सा काम करना है, क्योंकि उसका माइंड बिजनेस वाला था, पर कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो ऐसे ही जब दो एक दिन गुजरे तो एक को थोड़ा काम मिल गया कहीं कुछ लिखने पढ़ने का, और दूसरे को जब काम नहीं मिला तो उसने जाके स्टेशन पर जूता पॉलिश करना शुरू कर दिया। दोनों शाम को घर आए, एक ही जगह रहते थे दोनों। शाम को घर आए, दोनों ने अपनी अपना बताया कि मैं ये कर रहा हूं और मुझे इससे इतना पैसा मिलेगा। दूसरे ने बताया मुझे आज इतना पैसा मिला, मैंने शू पॉलिश किया था। और इसी तरीके से कुछ दिन उनके पास गुजरे और उन कुछ दिनों में उन्होंने कुछ कुछ पैसे कमा लिए। अब मैंने जैसा कि बताया कि दोनों का जो माइंड था वो शार्प था बिजनेस में, और उन कुछ पैसों से उन्होंने धीरे धीरे करके कभी कुछ बेच दिया, कभी कुछ खरीद लिया, इस तरीके से करके काफी पैसा कमा लिया। साल निकल गया और एक साल के बाद दोनों ने सोचा कि चलो अब घर चलते हैं, पैसा हो गया, अब सामान भी यहां से ले जाते हैं और घर जाके अपना बिजनेस सेट करते हैं। दोनों वापस आ गए। रास्ते में जिसने अपनी शुरुआत शू पॉलिश से की थी, जूता पॉलिश करने से की थी, उसने दूसरे को कहा, देख यार, गांव में जाके ये मत बताना कि मैंने शहर में आके जूता पॉलिश किया था, बहुत बदनामी हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, कैसे पैसे कमा के आया है। तो दूसरे ने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा, नहीं कहूंगा किसी को भी। लेकिन दूसरे का दिमाग थोड़ा सा टेढ़ा चला, उसने मन में सोचा कि अरे ये तो डर रहा है इस चीज से, तो मैं इसे ब्लैकमेल करूंगा। दोनों आ गए वापस। आने के बाद दोनों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। अब ये तो सीधा सा इंसान था, इसने ये अपना काम कर रहा है, और जो दूसरा नंबर बी जो था वो आया और आके कहने लगा, देख यार, मुझे तू इतना पैसा दे नहीं तो मैं सबको बताऊंगा कि तू जूते पॉलिश करता था शहर में जाके। वो बड़ा डर गया कि लोग क्या कहेंगे, मेरी बदनामी हो जाएगी। उसने जितना मांगा उसको पैसा दे दिया। यहाँ जरूरी है कि इन दोनों का कुछ नाम रखना चाहिए, तो एक का नाम हम महेश रख देते हैं, दूसरे का रमेश रख देते हैं। रमेश जो था वो ब्लैकमेल करने लगा, और महेश सीधा इंसान था, वो ब्लैकमेल होता रहा। एक बार हुआ, दो बार हुआ। अब यहां तक नौबत आ गई कि जब भी रमेश आता तो महेश एकदम से डर जाता कि ये फिर कुछ मांगेगा, फिर मुझे बदनाम करेगा। तो इस तरीके से वो अपना काम तो कर रहा था लेकिन कमजोर होता गया साथ साथ में, और परेशान रहने लगा। तो उसके बेटे ने एक बार पूछा कि पापा बात क्या है, जब भी ये अंकल आते हैं आप घबरा जाते हो, या अंकल आते हैं आपसे पैसा लेते हैं, आप इनको पैसा देते हो, लेकिन क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
तब ये क्योंकि परेशान तो हो चुका था, इसने कहा बेटा बात ऐसी है कि जब मैं शहर गया था कोई काम नहीं मिला था, तो मैंने वहां जूता पॉलिश किया था और इसको पता है कि मैंने जूता पॉलिश किया था, ये सबको बता देगा और सबको बताएगा तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए ये मुझे ब्लैकमेल करता जा रहा है और बार बार आके पैसे मांगता जा रहा है। बेटे ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठ गया और अगले दिन अपना जो शॉप था उसमें वो बेटा भी अपने पापा के साथ आके बैठ गया। अब जो भी वहां सामान लेने आए, क्योंकि ये बहुत ईमानदार इंसान था, इसकी तारीफ करें तो बेटा एकदम से कह रहे हैं आपको तो पता नहीं है मेरे पापा ये सिर्फ ईमानदार नहीं बहुत मेहनती भी हैं, जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने जूता भी पॉलिश किया लेकिन कभी हार नहीं मानी, इतनी मेहनत ये करते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा इतनी मेहनत करने वाला इंसान है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये काम भी कर लिया, उसको भी छोटा नहीं समझा और लोगों ने और ज्यादा उसकी तारीफ करनी शुरू की। एक दो दिन के बाद उसके बेटे ने कहा देखिए पापा, आप जब तक डर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे तब तक आप परेशान थे और दूसरा इंसान आपको ब्लैकमेल कर रहा था, अब जैसे ही मैंने सबको बता दिया लोग क्या कहेंगे का डर आपके दिमाग से खत्म हो गया, तो आप बहुत ही शांति के साथ अपना काम भी कर रहे हो, आप खुश भी रह रहे हो और आप कि जो आप काम कर रहे हो उसमें प्रोग्रेस भी ज्यादा होने लगी है, आपकी सेहत भी ठीक होने लगी है। तब इसने सोचा अरे वाह, वाकई में इस छोटे बच्चे ने मेरी कितनी बड़ी मुसीबत जो थी वो एकदम से आसान कर दी, क्यों मैंने सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मैंने मेहनत की थी, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया था, मैंने चोरी नहीं की थी तो फिर मैं क्यों डरूं। और इस तरीके से जब एक बार दिमाग से लोग क्या कहेंगे का डर निकल गया तो वो खुशी खुशी अपना काम करने लगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कोई मतलब नहीं रह जाता है लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो हमें अपने हिसाब से काम करना है, अपनी तरफ से मेहनत करनी है, अपनी तरफ से ईमानदारी रखनी है, जितनी हो सके दूसरों की मदद करनी है, खुद की मदद करनी है, हिम्मत कभी नहीं हारनी है, कभी कभी अपने आप में नेगेटिविटी नहीं आने देनी है और दुनिया के डर को निकाल के आगे बढ़ते जाना है, तभी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। यहां मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि इस लोग क्या कहेंगे का डर मेरे मन से निकल गया, इसलिए मैंने किसी को यह भी कहते सुना है कि अब मैं अपने घर वालों की भी परवाह नहीं करता। ऐसा नहीं है, जब आप एक समाज में रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो, तो घर वालों की बिल्कुल परवाह नहीं करना ये गलत बात हो जाता है। आप या तो उनसे समझ लो या उनको समझा दो और एक लेवल मेंटेन करके आप आगे बढ़ो। घर वाले जो है लोग क्या कहेंगे नहीं होते, वो आपके घर वाले लोग हैं, वो आपका भला चाहने वाले लोग हैं, आपके साथ मिलके रहने वाले लोग हैं, जिनके साथ आपको अपना जीवन गुजारना है। तो यहां पर ये वाली कहावत लागू नहीं होती कि बकने दो इनको, नहीं, आपको प्रेम प्यार मिलके रहने वाली भावना के साथ रहना है, तभी आप तरक्की कर सकते हो, क्योंकि परिवार आपकी स्ट्रेंथ होता है, परिवार के लोग आपकी स्ट्रेंथ होते हैं। हाँ, दूसरे लोगों की परवाह मत करो कि वो आपको क्या कहेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे या बुराई करेंगे, उनको करने दो, वो तो उनका काम है, आप बस अपना काम करो और खुश रहो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, अच्छी लगी ना, आप भी लोगों का डर अपने मन से निकाल दें। अगर किसी के बच्चे के मार्क्स कम आए तो क्या हुआ, अगली बार ज्यादा आ जाएंगे। किसी के पास छोटी कार है और उसके फ्रेंड के पास बड़ी तो क्या हुआ, चलना तो दोनों ने ही है, बैठ के चार ही लोगों ने जाना है उसमें, उसे क्या फर्क पड़ गया छोटा है या बड़ा है। तो लोग क्या कहेंगे को छोड़ दो, दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दो, जीवन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा और खुशी से भर जाएगा। तो आज इसी के साथ आज बस इतना ही, फिर आऊंगी नई एक और कहानी लेके। तब तक आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा मुस्कुराते हंसते रहिए, यही मेरी कामना है। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।